नमस्कार दोस्तों, स्वाद अनोखा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज बनाने जा रही हूँ मसाला बूंदी, जो बहुत से आइटम्स में डलते हैं। चाहे इसे रायते में डाल दो, चाहे इसकी सब्जी बना लो, चाहे मिक्सचर में डाल दो, और आप चाहे इसे ऐसे भी खा सकते हो। तो चलिए जल्दी से बनाते हैं। इसके लिए 2 कप बेसन लेंगे। उसमें डाल रही हूँ 1/4 चम्मच नींबू का रस, जिसे मैंने पीस लिया है, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार। अब इन सब मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल डाल कर बैटर बना लेंगे। देखिए, बैटर तैयार है। बैटर की कंसिस्टेंसी ऐसी रहनी चाहिए। मेरा ये बैटर बनाने में लगभग 200 ml पानी लगा है। अब बनाते हैं बूंदी। अब एक कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। तेल गरम हो चुका है। अब बूंदी वाले झारा को कढ़ाई के ऊपर रख कर उसमें बैटर डालेंगे। देखिए, बूंदी अच्छे से डीप फ्राई हो गई है। अब इसे टिश्यू पेपर पर निकालते हैं। बूंदी तल लेने के बाद अब बनाते हैं मसाला। मसाले के लिए मैं ले रही हूँ 1/2 चम्मच चाट मसाला, 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1/4 चम्मच भुना जीरा पाउडर, थोड़ा सा नींबू का रस पिसा हुआ और नमक स्वाद के अनुसार। नमक मैं कम ही डाल रही हूँ, क्योंकि बूंदी में भी नमक है और चाट मसाला भी डल रहा है। अब इसमें 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालकर मिक्स कर लेंगे। अब इन मसालों को बूंदी में डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाला बूंदी बनकर तैयार है। देखिए, ये कितनी गोल गोल बनी है, एकदम चटपटी और क्रिस्पी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें।